हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अजमेर समाचार में आपका स्वागत है। अजमेर के आजाद नगर कोटड़ा क्षेत्र में 30 वर्षीय विवाहिता के फंदे वाली घटना का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार सुबह आजाद नगर कोटड़ा निवासी सुनीता सोनी 30 वर्षीय पत्नी धर्मेंद्र सोनी ने अपने घर में ही इस घटना को अंजाम दिया। इसकी जानकारी परिवार वालों को तब मिली जब परिवार के लोग सुबह सोकर उठे थे। सूचना मिलने के बाद किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतरने के बाद मोर्चे में भिजवाया गया। सूचना मिलने के बाद ही मृतक महिला के पीहर वाले भी मोर्चे पहुंच गए है, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस को मृतक महिला के पास से कोई भी सबूत नुमा चिट्ठी भी बरामद नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक सुनीता का देर रात अपनी सास से झगड़ा हो गया था, जिससे परेशान होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं मामले में पीयर पक्ष के लोगों द्वारा भी ससुराल पर आए दिन झगड़े करने का आरोप लगाया है। पीयर पक्ष ने कहा है कि ससुराल द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि किशनगंज थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।